Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, in last lecture mein humne new chapter start kiya tha, chapter number 4, which is called turning effects of force. Dear students, last lecture mein humne parallel forces ko discuss kiya and then humne addition of forces ko bhi discuss kiya. Is lecture mein hum discuss karenge resolution of forces ko. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि स्टूडेंट एक फोर्स है उसको हमने स्प्लिट डाउन करना है, उसको हमने अलग अलग करना है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में. एक फोर्स है उसको हमने डिवाइड कर देना है आगे फर्दर टू कंपोनेंट्स में, उसको हम कहते हैं स्प्लिट डाउन करना है, उसको हम कहते हैं वो मार्कस क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स उसको स्प्लिटिंग अप कर देना, अलग अलग कर देना, अलहदा कर देना इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसका रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स, उसको हम कहेंगे वो हमने उस फोर्स की रेजोल्यूशन की है. फॉर एग्जांपल, अगर एक फोर्स है उसको हमने मजीद दो फोर्सेज में डिवाइड कर दिया, उसको हम कहेंगे वो हमने क्या किया, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज किया. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात आ गई कि हमने बात की कि दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना एक फोर्स को, अगर वो दो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम कहेंगे कि हम वो जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं. ठीक, अगर वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम उनको कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. सो जैसा कि यहां देखें, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक फोर्स है. ठीक है, और ये फोर्स का एक कंपोनेंट इसको हमने y एक्सिस पे ड्रा किया और एक कंपोनेंट को x एक्सिस पे ड्रा किया. जो x एक्सिस पे कंपोनेंट है वो OB है और जो y एक्सिस पे कंपोनेंट है वो BA है. सो इसीलिए हम इन दोनों को कहेंगे ये हमारे पास एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स है हमारे पास, वो एक फोर्स है. ठीक है, ये एक फोर्स है तो हमने इसको स्प्लिट अप करना है, स्प्लिट डाउन करना है. इसको हमने स्प्लिट डाउन करना है एक एक्स एक्सिस पे और एक स्प्लिट डाउन करना है वाई एक्सिस पे. जो एक्स एक्सिस पे स्प्लिट डाउन करेंगे वो हम कहेंगे एफ एक्स. ठीक है, और वाई एक्सिस पे जो होगी फोर्स का कंपोनेंट वो होगा एफ वाई. एक फोर्स है उसको हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, स्प्लिट डाउन कर दिया, सो हम उसे कहेंगे वो क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ ऑफ दैट फोर्स, उस फोर्स के हमने रेजोल्यूशन कर दी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस को एड अप कर देंगे तो फिर हमारे पास यही फोर्स आ जाएगी. ठीक है, अगर हम इन दोनों फोर्सेस को एड अप कर देंगे तो हमारे पास दोबारा वही फोर्स आ जाएगी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का ये भी मतलब है. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हेड टू टेल रूल्स एंड रिजल्टेंट फोर्स को भी हमने डिस्कस किया कि रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होती है, वो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होती है. सो यहां पे ये जो है ओ ए जो है एक रिजल्टेंट फोर्स है और ये किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है. जैसे कि हम यहां पे लिखते हैं ये किसके इक्वल है, ओ ए, ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी एंड बी ए, ओ बी एंड बी ए के इक्वल है. ठीक है, एंड दियर स्टूडेंट्स ओ ए को हमने रिप्रेजेंट किया एफ के साथ, ये हमारे पास क्या है, ये फोर्स है. एंड ओ बी को हमने रिप्रेजेंट किया एफ एक्स के साथ, एफ एक्स के साथ. एंड बी बी ए को रिप्रेजेंट किया एफ वाई के साथ, एफ वाई के साथ. ये हमारे पास एक फोर्स है, इसको हमने स्प्लिट डाउन किया इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. एफ एक्स जो है ये फोर्स है ऑन एक्स एक्सिस पे, एफ वाई जो है ये फोर्स है ऑन वाई एक्सिस पे. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने अब इन दोनों को फाइंड करना है, एफ एक्स को फाइंड करना है, एफ एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड एफ वाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वाई एक्सिस. अब हमने इन दोनों को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो.
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके हमने एफ एक्स एंड एफ वाई को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल होती है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। डियर स्टूडेंट, ये एक डायग्राम है और इसका मैंने नीचे खाका बनाया है। ये जो बेस है ये किसके इक्वल है? ओबी के। परपेंडिकुलर जो है वो किसके इक्वल है? बीए के। और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? ओए के। हमने ड्रा किया कि जो ओ सॉरी बी ए है वो किसके इक्वल है? वो एफ वाई के इक्वल है, और जो बेस किसके इक्वल है? वो एफ एक्स के इक्वल है, और जो एफ ये है ओ ए ये किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। सो यहां पे जो बेस है वो किसके इक्वल आएगी? एफ एक्स के। बेस के इक्वल आएगी एफ एक्स के। एंड आगे बात करें तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ये हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गए? एफ के। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हम बात कर लें तो अगर हम कॉस थीटा को ऐसे लिख लें, कॉस थीटा ये किसके इक्वल आ गए यहां पे? अब एफ एक्स एंड ओवर एफ के। अगर हम एफ एक्स को फाइंड करना है, एफ एक्स मीन्स के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, कि एस एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स कितनी है। सो यहां पे हम एफ एक्स को निकाल लें तो ये एफ यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास फोर्स आ गई, किसकी? एफ एक्सिस की मैग्नीट्यूड की फोर्स आ गई। ठीक है, अब हम मजीद फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के वो क्या है। वो हम यूज करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है होता है? साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? एफ वाई, एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल है एफ के। यहां पे आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ। एफ अगर हम एफ वाई को फाइंड करना है तो ये जो नीचे एफ है यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फोर्सेस आ गई। इनसे हम मजीद जो है इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फोर्सेस आ गई हमारे पास कि फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस एंड फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। हमने वो फोर्स को फाइंड करना है, एक फोर्स को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? थ्रू आउट अ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट से हम एक फोर्स फाइंड करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, ओ ए जो है ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, वो किसके इक्वल है? ओ ए एक रिजल्टेंट फोर्स है, वो किसके इक्वल है? ओ बी के प्लस बी ए के। ठीक है, ओ बी के एंड बी ए के। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, ओ ए को हमने रिप्रेजेंट किया एफ के साथ, एंड ओ बी को हमने रिप्रेजेंट किया एफ एक्स के साथ, एंड बी ए को हमने रिप्रेजेंट किया एफ वाई के साथ। हमने वो फोर्स निकालनी है, एक फोर्स निकालनी है किसकी मदद से? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से। सो हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, सो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें एक थ्योरम यूज करना है यहां पे, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम यूजिंग, अब यहां से देख लेते हैं, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं, वो एक क्या है? वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर एंड इक्वल प्लस सॉरी प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हाइपोटेन्यूस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एफ एक्स का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर जो है वो एफ वाई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमने यहां पे क्या फाइंड करना है, एक फोर्स फाइंड करनी है। यहां पे फोर्स का स्क्वायर है, अगर हम यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक फोर्स आ जाएगी। ठीक है, फोर्स आ जाएगी टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट को टेक किया, वो किसकी इक्वल आ गया, वो इक्वल होगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये इक्वल आ गया एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक फोर्स आ गई जिसको हमने फाइंड किया थ्रू आउट परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट से। ये हमने परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट से फोर्स को फाइंड कर लिया, फोर्स को स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड कर लिया। और उम्मीद करता हूं ये कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने एक डायग्राम ली, उसकी एक फोर्स ली, फोर्स के जो आगे हमने परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट में स्प्लिट डाउन किया था उस फोर्स को, वो हमने लिखे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जिस जिसको हमने रिप्रेजेंट किया वो लिखे, उसके बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम एक पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। फिर हमने पैथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ऐसे हमने थोड़ी सी डेरिवेशन की यहां पे, ये हमने फोर्स फाइंड कर दी। ठीक है, जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है एंगल, कि कितने एंगल पर जो फोर्स है वो एग्जर्ट हो रही है। और इसको फाइंड करने के लिए कि कितने एंगल पे फोर्स एग्जर्ट हो रही है, वह हम अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सो जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर इक्वल है एफ वाई के, एंड जो बेस है वो किसके इक्वल है एफ एक्स के। ये किसके इक्वल हो गया अब टेन थीटा के। हमने यहां पे फाइंड करना है एंगल, ये थीटा है और ये टेन है, टेन यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे डिवाइड हो जाएगा, यहां पे इनवर्स का भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये टैन को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि टैन इनवर्स का हो गया। सो थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा फिर टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, यहां पे सॉरी एक्स लिखना था, एफ एक्स। ये इक्वल हो गया हमारा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की इक्वल है। यहां से हम डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को, कि एक फोर्स है उसको हमने टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने वो रिजल्टेंट फोर्स को देखा, एंड देन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इसको फाइंड किया, एंड देन हमने डिटरमाइन किया कि हम कैसे एक दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से एक फोर्स को निकाल सकते हैं, हम वो भी निकाल लिया। एंड लास्ट में हमने एक डायरेक्शन की बात की कि फोर्स उसकी डायरेक्शन भी होगी कि वो डायरेक्शन किस तरफ एग्जर्ट हो रही है, सो इसीलिए हमने डायरेक्शन को भी फाइंड किया। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।